नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास एक पावर बैंक आया हुआ है जो कि रिपेयर करेंगे। दोस्तों, इसका चार्जिंग पिन भी टूटा हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में तुम कुछ डिटेल एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो बने रहें। तो दोस्तों, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, कोशिश करता हूँ दोस्तों जल्द से जल्द जो दोस्तों आपका जो मेन टॉपिक है, प्रॉब्लम है, वो शेयर करूँ आपको दोस्तों। तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इसको जो है दोस्तों ये ओपन कर रहा हूँ मैं। तो ये टेप मारा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये टेप को हटा दिया मैंने। और ये जो दोस्तों डायरेक्ट ये जो है लाइट जल रहा है। दोस्तों, तो इसका चार्जिंग पिन चेंज करना है दोस्तों, ठीक। चार्जिंग पिन दोस्तों ये एलईडी के नीचे है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो एलईडी को सिंपल से खोल देते हैं। उसके बाद सबसे पहला दोस्तों कि इसको रिपेयर करने से पहले दोस्तों आप ये ध्यान दें कि बैटरी का कनेक्शन जरूर खोल दे दोस्तों, नहीं तो शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब ध्यान रखें, ये प्लस का है, बस ध्यान रखें। ऐसे भी लिखा हुआ रहता है दोस्तों, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये खोल दिया मैंने बस। अब एलईडी के नीचे दोस्तों चार्जिंग पिन है। चार्जिंग पिन जो है दोस्तों चेंज कैसे करें, तो इसको पहले खोल देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। इधर दोस्तों एलईडी है, छोटा सा एलईडी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इधर से सोल्डिंग आयरन सटाने वाले थे, मगर जब देखे तो ध्यान आया, तो इधर सोल्डिंग आयरन सटा देते हैं तो निकल जाएगा एलईडी। देखो दोस्तों, ये जो है आपका ये खुल गया। देखिए दोस्तों, ये जो खुल गया आराम से, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या। देखिए दोस्तों, ये खोल दिया मैंने। और इसका जो है दोस्तों, इसमें चार्जिंग पिन लगाते हैं, ये तो जानते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें विशेष नहीं है। चार्जिंग पिन को प्लस माइनस देख के जोड़ देना है। और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है दोस्तों। पावर बैंक में लगभग सबका जो है दोस्तों प्रोसेस जो होता है दोस्तों बनाने का सेम ही होता है। ये नहीं कि उसका अलग होता है, उसका अलग होता है, हाँ थोड़ा बहुत चेंज होता है। ब्रांडेड में लीजिएगा दोस्तों तो उसका जो है दोस्तों आईसी वगैरह सब ज़्यादा दिया रहता है, सबका उसका थोड़ा सा चेंज रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये भी स्विच जो दोस्तों ये जो थोड़ा कम दबा रहा है दोस्तों। तो अगर ये ऐसा स्विच सब खराब होता है दोस्तों, तो आप जो है मोबाइल का जो पत्ती आता है दोस्तों, ठीक है, जो कीपैड की पत्ती आता है दोस्तों, वो भी स्विच खोल के इसके लंबी इसमें लगा सकते हैं दोस्तों, काम आ जाएगा। मैं किया हूँ। तो दोस्तों चलिए इसका चार्जिंग पिन लगाते हैं। तो दोस्तों ये चार्जिंग पिन मैंने निकाल लिया है, और बस सिंपल से दोस्तों इसमें कुछ है नहीं बस। देखो दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार्जिंग पिन लगाने वक्त कोई भी दोस्तों चार्जिंग पिन लगाते हैं तो जरूर ध्यान रखिए इस बात को। अगर वो बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा दोस्तों। पिन उखड़ता क्यों है ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये जो सोल्डिंग है दोस्तों, यहाँ पे सोल्डर जो है दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों ये अगर सोल्ड हो जाएगा दोस्तों, तो एक नंबर बेस्ट होता है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी क्या करना है, चार्जिंग पिन उखड़ने का रीज़न यही होता है दोस्तों। बस वहाँ भी दोस्तों सोल्डर लगा दिया मैंने, ताकि जो है बीच में भी सोल्ड हो सके। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों आप हीट मार के भी दोस्तों अच्छा सोल्ड हो सकता है दोस्तों, अगर हॉट गन है तो, ठीक है, मेरे पास है दोस्तों, बट आपको ऐसे नॉर्मल दिखाएं क्योंकि सबके पास हॉट गन नहीं रहता है दोस्तों। सारा तरफ जो दोस्तों सोल्ड कर दे दें, ताकि ये जो है मजबूत ज़्यादा अच्छा से हो जाए। तो दोस्तों फिलहाल तो चार्जिंग पिन दोस्तों ये फिट हो चुका है, और तो विशेष कुछ है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये चार्जिंग पिन जो सोल्ड कर दिया है मैंने, अब दोस्तों इसमें एलईडी जो दोस्तों एलईडी लगा देते हैं। एलईडी दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो है मैंने
सोल्डर कर दिया है। अब दोस्तों ब्रश से थोड़ा सा साफ़ कर दीजिए ताकि दोस्तों शोल्डर वगैरह कहीं अगर सट गया हो दोस्तों तो सारा हट भी जाए, और ऐसा करना ही चाहिए दोस्तों, नहीं तो शॉर्ट उठ होने का डर रहता है, चांस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों इसमें और कुछ तो है नहीं जो मैं एक्स्ट्रा बताऊँ दोस्तों, बस इसमें दोस्तों या पैसे लगेगा है ना, इस टाइप का लगेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ऐसे लगेगा, तो इसका सोल्ड कर देते हैं दोस्तों। ये आपका हो गया प्लस, आपका ये हो गया माइनस। ये देखिए दोस्तों ये प्लस माइनस हो गया दोस्तों। देखिए ये जो दोस्तों लाइट चल ही रहा है दोस्तों और हमेशा, तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ये जो लाइट जल रहा है दोस्तों, ये दोस्तों टॉर्च का है दोस्तों, ये टॉर्च का होगा दोस्तों है ना, ये तो पावर ऑन ऑफ भी है दोस्तों। अगर डबल बार दबेगा दोस्तों तो ये टॉर्च वाला है। देखिए दोस्तों ये स्विच भी ख़राब है ना दोस्तों। देखिए अभी ये लाइट जल गया, फिर इसको दबेंगे तो जल जाएगा अभी। देखिए दोस्तों अब ये नहीं चल रहा है दोस्तों, मगर ये जो है दोस्तों अभी चल रहा था, इसको दाबी तो ठीक हो गया। और दोस्तों आप चार्जिंग पिन जो लाएँ दोस्तों, इसका चेक करना है कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखते हैं चेक करके। देखिए दोस्तों ये जल रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जल रहा है, तो दोस्तों चार्ज हो रहा है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।